हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ा एसिड कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर, आज हम पढ़ेंगे बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर। ठीक है, दोनों ही रिएक्शंस, चाहे वो एसिड कैटलाइज्ड है चाहे वो बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो आपका मेडिकल का हो चाहे वो नॉन मेडिकल का हो। इवन बीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड कैटलाइज्ड। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डाउट का रिस्पांस आपको विद इन 24 आवर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर। पेन और नोटबुक साथ में रख लो। ठीक है, नोट्स साथ साथ ज़रूर बनाने हैं, नोट्स के बिना आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। एक बार लगेगा कि समझ आ गया, लेकिन नोट्स साथ साथ बनाओगे तभी काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं आज का रिएक्शन, बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर। बेस कैटलाइज्ड क्लीवेज ऑफ ईथर्स। अब देखो होता क्या है इसमें। बेसिकली हम इपॉक्साइड्स की रिंग ओपनिंग करते हैं। किसकी रिंग ओपनिंग करते हैं? इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स क्या होते हैं? साइक्लिक ईथर्स, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, साइक्लिक ईथर्स। बेसिकली हमने रिएक्शन करानी है इपॉक्साइड्स की। जैसे हम ईथर्स की कराते हैं ऐसे ही हम इपॉक्साइड्स की कराएंगे। ठीक है, दोनों डिस्कस करेंगे, ईथर का भी और इपॉक्साइड का भी। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक नॉर्मल सा ईथर ले लेते हैं और ईथर का रिंग ओपनिंग ईथर का देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, ये कोई ईथर है, अगर आप इस पे कोई बेस लेके आते हो और रिएक्ट कराते हो, बेस मतलब मैं ओआर नेगेटिव ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, तो जितना हिंड्रेंस यहाँ पे होगा उतना ही हिंड्रेंस यहाँ पे होगा। आपको क्या करना है, हमेशा अटैक ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन, हमेशा ही ये चीज याद रखना, हमेशा ये अटैक कहाँ होगा? लेस हिंडर्ड कार्बन पे। तो यहाँ तो सिमेट्रिकल है, तो किसी भी कार्बन पे अटैक करा दो। इस कार्बन पे मैंने अटैक कराया तो कार्बन तो पहले से स्टेबल था, तो वो अपना बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो हमें बेसिकली मिला क्या, देखो CH3 यहाँ नेगेटिव आ गया, प्लस CH3 नेगेटिव नहीं आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस CH3 के साथ क्या लग गया है, अपना OR। ठीक है, उसके बाद ये किसी सॉल्वेंट से H ले लिया करेगा, ये क्या करेगा, सॉल्वेंट से H ले लिया करेगा। ठीक है, बेसिकली चाहे बेस है चाहे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, वो इसी तरह से रिएक्ट करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं जहां पे अनसिमेट्रिकल ईथर हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मान लो ये चीज है और मैंने इसको रिएक्ट कराया CH3MgBr से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो सबसे पहले मैंने ड्राई ईथर रखा है, फिर मैंने दूसरे स्टेप में इसको एसिड से रिएक्ट करा दिया। ठीक है, तो पहले स्टेप में सिर्फ ड्राई ईथर है, दूसरे स्टेप में मैंने इसको किससे रिएक्ट कराया है, H3O+ से। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो CH3 नेगेटिव मिलेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब भी हम कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तब हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? तो यहां से हमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, R नेगेटिव, RMGX होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, तो इससे हमेशा हमें क्या मिलता है, R नेगेटिव एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है मेरा, CH3, तो ये मुझे CH3 नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। अब ये अटैक कहाँ करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे। ऑक्सीजन के दोनों कार्बन देखो जो साथ में लगे हुए हैं, ये 1 डिग्री, नहीं ये 1 डिग्री नहीं है, ये क्या है, मिथाइल। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके साथ तो एक भी कार्बन नहीं लगा, अगर एक भी कार्बन नहीं लगा है तो वो क्या होता है, मिथाइल। अब ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, क्यों? क्योंकि इसके साथ दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो लेस हिंडर्ड कौन होता है, मिथाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल गया, इस कार्बन पे अटैक किया, ये कार्बन ने बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको प्रोवाइड कर दिया, ऑक्सीजन को। तो पहले स्टेप में जो हमारे पास चीज आएगी वो चीज कुछ इस तरह से होगी, देखो CH3 CCH3HO-, ठीक है, और CH3 के साथ कौन लग गया, हमारा एक और CH3 जो हमें कहां से मिला था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से।
अब दूसरे स्टेप में मैंने इसको H प्लस से रिएक्ट कराया हुआ है, तो जो O नेगेटिव है ये H प्लस गेन कर लेगा, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? अब यही रिएक्शन हम इपॉक्साइड्स में भी करा सकते हैं। इपॉक्साइड्स मतलब साइक्लिक ईथर्स, ये तो नॉर्मल ईथर्स थे ना जिसमें कोई रिंग नहीं थी। अगर मैं रिंग वाले ईथर ले लूं, मतलब इपॉक्साइड्स ले लूं, 1.2 साइक्लिक ईथर्स, ठीक है? तो एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, है तो ये भी ईथर ही। मान लो मैंने इसको किसी बेस से रिएक्ट कराया OR नेगेटिव, अटैक तो यहां पे भी कहां होना है, लेस हिंडर्ड कार्बन पे। लेस हिंडर्ड यही है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री कह लो। क्यों? क्योंकि इसके साथ दो कार्बन लगे हैं, एक यहां पे लगा है, एक इस साइड लगा है, ठीक है? जबकि ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसके साथ तो सिर्फ एक ही कार्बन लगा है, ठीक है? 1 डिग्री कार्बन इज अ लेस हिंडर्ड कार्बन एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो ये जो हमारा बेस है ये इसी पे जाके अटैक करेगा। ये कार्बन स्टेबल था तो ये अपना चार्ज किसको ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ही इसके बाद सक्षम है चार्ज को कंपनसेट करने में, अपने पास रखने में, ठीक है? तो जैसे ही ये क्लीवेज हुई हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल गया, CH3CH, ऑक्सीजन इस बॉन्ड, ये बॉन्ड तो अभी भी लगा हुआ है ना ऑक्सीजन का, ये वाला तो ऑक्सीजन अभी भी यहां तो लगा हुआ है, लेकिन अब ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, -1, क्योंकि वो बॉन्ड तोड़ के चार्ज साथ में लेके आया है। CH2 के साथ हमारा क्या लग गया है, OR, ठीक है? तो CH2 OR यहां तक बन गया। फिर सेकेंड स्टेप में ये भी क्या किया करेगा, सॉल्वेंट से एच प्लस ले लिया करेगा, सॉल्वेंट से कहीं से हाइड्रोजन गेन कर लिया करेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाया करेगा, कुछ इस तरह से CH3CH। मैं इसको OH ऊपर लिख देता हूँ, नीचे मेरे पास थोड़ी जगह कम है, तो CH2OR। तो सेम चीज है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो भी रिएक्शंस हैं ये SN2 पाथवे से चलती हैं। SN2 पाथवे मतलब अटैक विल टेक प्लेस ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, ठीक है? बस ये चीज ध्यान में रखना है आपको। चलो अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या लिया है, C2H5ONa, इससे आपको क्या मिलेगा, C2H5O-, ठीक है? अब ये अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन। ये जो कार्बन है ये कैसा है, 1 डिग्री, क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन लगा है। जबकि इसके साथ वाला कार्बन ये वाला, ये कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि इसके साथ दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो ये लेस हिंडर्ड कार्बन पर जाके अटैक करेगा, मतलब इस पे रिंग टूट जाएगी, ऑक्सीजन चार्ज ले जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कोई सॉल्वेंट नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप OH नहीं बनाओगे, आपको OH बनाना ही बनाना है एंड में, ठीक है? तो इसके ऊपर अटैक हुआ था O C2H5 का, ये जाके लग गया इसके साथ, ठीक है? CH O- बना, मैं इसका डायरेक्टली OH बना दूंगा, क्योंकि मुझे तो फाइनल प्रोडक्ट बताना है ना, और मुझे पता है कि फाइनल प्रोडक्ट में ये सॉल्वेंट से एच लेके आया होगा। सिंपल सा है, ये रिंग टूटी होगी, ओ नेगेटिव बना होगा, ओ नेगेटिव बनने के बाद उसने सॉल्वेंट से क्या ले लिया, एच। इस कार्बन पे CH2 पे अटैक किसका हुआ था, C2H5O- का, तो वो लग गया, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अमोनिया, अमोनिया भी तो बेस होता है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल कह लो, बेस कह लो, कुछ भी कह लो, अटैक तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे ही होना है, ठीक है? तो दोनों कार्बन सेम है यहां, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मान लो इस पे अटैक करता है, और ये इस तरह से। अब देखो अगर नेगेटिवली चार्ज चीज अटैक करती है तो वो खुद न्यूट्रल हो जाती है, लेकिन अमोनिया तो पहले से ही न्यूट्रल था, तो जब इसने अटैक किया होगा तो ये कैसा हो गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर से अटैक किया है, ठीक है ना? अगर नेगेटिव चीज अटैक करती है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन अगर न्यूट्रल चीज अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर रही है तो मतलब जब वो अटैक होने के बाद वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? CH2 CH2O-। अब नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक एच प्लस को बाहर निकालेगा, और ये एच प्लस कौन गेन कर लेगा, यहाँ पे ओ नेगेटिव, ठीक है? फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या मिलेगा, देखो NH2 CH2 CH2 OH, क्लियर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, ये वाला एस नेगेटिव। बेसिकली मैं इसको क्लब करके लिख लेता हूँ, 1 2 3, तीन कार्बन है, हाइड्रोजन्स कितने हैं, देखो 7 हाइड्रोजन्स हैं और एस नेगेटिव, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है?
अब ये अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, यहां तो दोनों कार्बन सेम ही है, तो ये मान लो इस पर अटैक हुआ, रिंग ओपनिंग हुई, ठीक है, CH2 अटैक सल्फर के थ्रू हुआ तो सल्फर जाके लग गया SC3H7, और इस कार्बन पे फिर क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे R नेगेटिव मिलता है, तो मुझे क्या मिला, C6H5 नेगेटिव। अब ये अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री इज लेस हिंडर्ड एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, तो अटैक यहाँ होगा, रिंग ओपनिंग होगी, ठीक है, रिंग ओपनिंग के बाद यहाँ पे H3O+ से H गेन कर लिया जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो CH2 इसके साथ मेरा जाके लगा O, O तो है नहीं बीच में, C6H5, ठीक है, इसके साथ मेरा जाके लगेगा C6H5, इस कार्बन पे OH लग जाएगा, और यहाँ पे फाइनली क्या लगा होगा, CH3 जो पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, इसमें देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने आपको क्या सिखाया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ हाइड्राइड आयन, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्राइड आयन, तो ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल या बेस का काम कर सकता है, ये भी अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन 1 डिग्री है जबकि ये कार्बन 2 डिग्री है, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग के बाद वाटर से क्या करेगा, एच गेन कर लेगा, ओ नेगेटिव हमारा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, देखो CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लग चुका है फ्रॉम हाइड्राइड जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया, CH, इस पे क्या बन जाएगा, OH, ठीक है, इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है 7 बार और एंड में CH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, राइट डाउन द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय ट्रीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इपॉक्साइड्स विद HI। HI क्या होता है, एसिड, तो ये एसिड कैटालाइज क्लीवेज है। ठीक है, अब एसिड कैटालाइज क्लीवेज में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों साइड चेक करो कि कैसा कार्बन है, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तब तो SN1 पाथवे होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, नहीं तो SN2 पाथवे चलेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार ऐसा करो, एसिड कैटालाइज क्लीवेज ऑफ ईथर वाली वीडियो दोबारा से देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखो अब ये ऑक्सीजन है, इसके इस साइड पे है हमारा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन से लगा है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया जा सकता है, तो पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा मतलब ऑक्सीजन OH बनाएगा। ठीक है, इसने कार्बोकैटायन बनाया था, कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन था हमारा, आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मान लो आपको दे दिया होता एक्सेस ऑफ HI, यहाँ तो एक्सेस नहीं दिया, अगर एक्सेस ऑफ HI आपको प्रोवाइड कर देते तो जो OH है वो भी किससे रिप्लेस हो जाता, आयोडीन से, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर हम किसी भी अल्कोहल को HI से रिएक्ट कराते हैं तो अल्काइल हलाइड्स बनते हैं, कहाँ पढ़ा था, हमारे अल्काइल हलाइड्स के चैप्टर में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, अगर एक्सेस में दिया है तो ही, अगर सिंपल HI दिया है तब कोई एक्सेस आपने अपनी तरफ से नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस साइड देखूं तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन के ऊपर तो ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, ना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो यहाँ पे तो कोई चांस है नहीं, ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री है तो मतलब ये स्टेबल कार्बोकैटायन तो बनाएगा नहीं, तो मतलब ये SN2 से चलेगा, SN2 में क्या होगा, पहले I नेगेटिव आके अटैक करेगा, इसी पे अटैक कर सकता है, इस पे तो अटैक ही नहीं कर सकता क्योंकि बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, OH यहां लगेगा, ठीक है, इस कार्बन पे क्या लगा होगा, आयोडीन। थर्ड प्रोडक्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाए तो बेंजाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन एक स्टेबल जनरेट किया जा सकता है, वो कैसे जनरेट होगा, अगर मैं इस तरह की क्लीवेज कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, वहां पे हमारा न्यूक्लियोफाइल लग गया आए, और ये रिंग टूटी हुई थी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, क्योंकि मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया ना, तो वो क्या बना देगा, OH, तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसके अंदर भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है,
पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट बाद में H3O+, ठीक है, ये डायरेक्टली एक ही रिएक्शन में यूज नहीं किया हुआ है, पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, सेकंड स्टेप में H3O+ का अटैक है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन वाला है, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से मुझे क्या मिलेगा, CH3-, इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा लेस हंड्रेड कार्बन पे। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो किसी पे भी अटैक करा दो, मान लो मैं इस पर अटैक करा देता हूँ तो रिंग ओपनिंग होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे अटैक हुआ तो CH3 लग गया, ठीक है, यहाँ पे रिंग ओपनिंग हुई तो क्या लग जाएगा, OH, कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया है CH3-, अब ये भी अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन लगे हैं, ठीक है, जबकि ये वाला कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री इज लेस हिंडर्ड एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, तो अटैक यहाँ पे होगा, रिंग ओपनिंग कुछ इस तरह से होगी, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ OH बनेगा, यहाँ CH3 का अटैक हुआ था तो CH3 लग गया, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पहले यहाँ पे हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट जनरेट करना है, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्यों जनरेट करना है, क्योंकि आपको Mg और ईथर दिया है और साथ में एक अल्काइल हैलाइड दिया है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराएं Mg और ड्राई ईथर से तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। अब दिक्कत यहाँ पे यह है कि दो दो हेलोजन हैं, कोई बात नहीं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट ब्रोमीन वाली साइड बनेगा, तो मतलब पहले जो हमसे सी प्रोडक्ट पूछा है वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ MgBr लगेगा, ठीक है, यहाँ पे Cl ही रहेगा। अब ऑक्सीरेन क्या होता है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, हमारा सिंपलेस्ट साइक्लिक ईथर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन। अब देखो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट से मुझे क्या मिलेगा, मैं इसको यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा मुझे ये वाला, अब ये अटैक करेगा ऑन द लेस हिंडर्ड कार्बन, लेकिन यहाँ पे हिंड्रेंस की कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि दोनों कार्बन सेम है, तो कहीं पे भी अटैक करा दो, मान लो मैं इसका अटैक यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है, और फिर रिंग ओपनिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, फिर बाद में ये HCl से क्या करेगा, O- HGN कर लेगा, तो जो हमारा फाइनल D वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखो OH यहाँ लग चुका है, रिंग ओपनिंग हो चुकी थी, इस कार्बन पे आके अटैक किया है हमारे इस तरह के रिंग वाले कार्बन ने, ठीक है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, Cl, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये वाला एक ऐसा केस है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। देखो CH3-, CH3- इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है, सिखाया था ये क्लास में, ठीक है, लाइव क्लास में सिखाया था ये कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO, तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हो तो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होगा ही होगा, तो मतलब ये CH3- जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, अलग से डायग्राम बना लेते हैं, ये थोड़ा सा खराब सा लगेगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो अलग से शो करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो CH3- मेरा अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, मतलब यहां पे, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले तो चार्ज जाएगा ऑक्सीजन पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए और हर एक स्टेप क्लियर होता जाए। देखो यहां CH3 ने अटैक किया तो CH3 लग गया मतलब आके, और एक हमारे पास क्या बन गया, O-, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता था, देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है कार्बोनिल ग्रुप के साथ तब तो OH बना दो उसका, लेकिन अगर कोई लीविंग ग्रुप पड़ा है तो पहले उस लीविंग ग्रुप को बाहर निकालो। लीविंग ग्रुप कौन कौन था, हैलोजन्स और ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन लगा तो है कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही, देखो मतलब लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन कहेगा कि भी अपना चार्ज वापस लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए, और वो इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, मतलब लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, और वो लीविंग ग्रुप का हम क्या बना देते थे, OH, तो मतलब यहाँ पे OH बन गया, ठीक है, और यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड ओ फिर से जनरेट हो गया। अब हमने तो एक्सेस में CH3- लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने एक्सेस में क्या लिया हुआ है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो CH3- दोबारा से आएगा,
उसने देखा कि भी दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप बन गया, वो दोबारा से आके अटैक करेगा, कहेगा लो मैं दोबारा आ गया। ठीक है, फिर से चार्ज ट्रांसफर होगा किस पे, ऑक्सीजन पे। अब जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, OH, एक CH3 पहले ही था, एक अब लग गया और O नेगेटिव बन गया। अब बताओ कि क्या इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ था? नहीं, दोनों साइड पे कार्बन थे, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो कोई लीविंग ग्रुप नहीं है। तो मतलब अब इसने O नेगेटिव जो बनाया है वो फाइनली H को गेन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो OH तो यहाँ पे बना हुआ था, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। अब जो O नेगेटिव बना था वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन कर लेगा और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई डाउट? ठीक है, तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, जो आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं आप मुझ तक सेंड कर दीजिए, तो बाकी का काम हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से एक बार दोबारा से देख लो, चाहे एसिड कैटलाइज क्लीवेज ऑफ ईथर और बेस कैटलाइज क्लीवेज ऑफ ईथर्स को। ठीक है, इसके नोट्स बनाओ प्रॉपर। नोट्स बनाने के बाद अपने बुक से, असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।